और मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़ा सामने आया और इसके बाद हड़कंप मच गया है। ये यूनिवर्सिटी 8 महीने तक फ्रॉड VC के सहारे चलती रही। मामला जब सामने आया तो IIMT प्रबंधक के हाथ पांव फूल गए। IIMT प्रबंधन ने VC साहब को बड़े प्यार से कुलपति की कुर्सी पर बिठा रखा था, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर ली। इस फोटो को पहले गौर से देखिए, इनका अब परिचय करा देते हैं। ये हैं मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर मनोज कुमार मदान, करीब 8 महीने IIMT यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इससे आगे की कहानी भी जान लीजिए। IIT दिल्ली से PhD की डिग्री हासिल की, लेकिन ये डिग्री फर्जी निकली। यानी फर्जी डिग्री के सहारे मनोज कुमार मदान IIMT यूनिवर्सिटी में बतौर कुलपति तैनात रहे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। 8 महीने तक मेरठ का IIMT विश्वविद्यालय फ्रॉड VC के सहारे चलता रहा और हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ होता रहा। मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय में साल 2020 में मनोज कुमार मदान वाइस चांसलर नियुक्त किए गए, लेकिन इस नियुक्ति के लिए उन्होंने फर्जी कागजातों का सहारा लिया। इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन IIMT विश्वविद्यालय प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे रहा। वाइस चांसलर जैसे महत्वपूर्ण पद पर मनोज कुमार मदान की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल 18 सितंबर 2019 को मनोज कुमार मदान को IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ का कुलपति नियुक्त किया गया। वो 20 मई 2022 तक कुलपति रहे। इस दौरान उन्हें करीब 14 लाख रुपए का वेतन भुगतान किया गया, लेकिन राजस्थान के सीकर से आए फोन ने पूर्व VC मनोज कुमार के फर्जीवाड़े से पर्दा उठा दिया। ये सुनकर IIMT प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब IIMT प्रशासन ने 14 लाख की वसूली के लिए गंगानगर थाने में FIR दर्ज कराई है। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए, उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी दिखाए और फोटोकॉपीज यहां पे सबमिट की। उन फोटोकॉपीज को जब क्रिएशन, जो डाउट क्रिएशन हुआ, डाउट क्रिएशन एकदम नहीं होता। जहां तक वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, वेरिफिकेशन प्रोसेस हमने कराई, क्योंकि VC लेवल का मैटर था, उन्हीं के अप्रूवल से ये सब चीज़ें जाती हैं, लेकिन नीचे फिर भी हमने उस सिस्टम को बाईपास करके एक वेरिफिकेशन कराया। हम उनके बैठने से भी इस चीज़ के लिए हमने कोई संकोच नहीं किया। वो तब किया जब हमको एक डाउट और ज़्यादा, मतलब प्रेसिव एक डाउट हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी देरी नहीं की और फौरन पूर्व कुलपति मनोज कुमार मदान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। IIMT प्रशासन के द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया कि उनके जो पूर्व वाइस चांसलर थे, उनकी जब डिग्री की जांच की गई तो वो डिग्रियां उनके द्वारा फर्जी पाई गई, जो संभवतः IIT और अन्य संस्थानों से थी। और साथ में ये भी बताया गया कि पूर्व में भी राजस्थान में भी इनके ऊपर ऐसी फर्जी डिग्री लेकर कहीं नियुक्ति इनकी हुई थी और उस आधार पर वो वहाँ से भी जेल गए थे। पूरी प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इसमें जो वेचना है वो चल रही है और इसमें उनके जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ पुलिस अब IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के पूर्व कुलपति मनोज कुमार मदान की तलाश कर रही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर मनोज कुमार मदान के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए गए होते तो इतना बड़ा फ्रॉड नहीं होता। इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कहीं मनोज कुमार मदान के संबंध किसी ऐसे गिरोह से तो नहीं है कि जो फर्जी कागजात तैयार कराने का गोरख धंधा करता है। अब जब राजस्थान में मनोज कुमार मदान के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया और वो जेल गए, तब जाकर मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद टूटी और उनके खिलाफ गंगानगर थाने में मुकदमा कायम किया गया। लेकिन ये मुकदमा पहले क्यों नहीं कायम किया गया, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।